हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जिन भी स्टूडेंट का AHE 01 सब्जेक्ट है, उनको एक तो असाइनमेंट जमा करना होता है और साथ ही AHE 01 का प्रोजेक्ट भी बनाना होता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट नहीं जमा करते हैं तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। आपको अगर DMC मंगवानी है, डिग्री मंगवानी है, तो आपको AHE 01 का प्रोजेक्ट जमा ही करना पड़ेगा, तभी आपकी डिग्री कम्प्लीट मानी जाएगी। तो पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हो गया कि ये जमा करना ज़रूरी है या नहीं है, तो जमा तो आपको करना पड़ेगा। तो ये बनता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आज इस वीडियो में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, इसमें ये डिटेल ऐड ऑन करनी होती है। उसके बाद फॉर्म ए आपको लगाना होता है, और उसके बाद फॉर्म बी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये आपका हो गया फॉर्म सी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। उसके बाद आपका आ जाएगा इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ये वाटर पोल्यूशन के ऊपर यानी कि जल प्रदूषण के ऊपर ये हमने टॉपिक रेडी किया है। इंग्लिश मीडियम का ये प्रोजेक्ट है। हमारे पास हिंदी मीडियम के भी सभी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी मीडियम का भी प्रोजेक्ट हमारे से परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये है वाटर पोल्यूशन के ऊपर बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट। तो लेटेस्ट टॉपिक जो है वाटर पोल्यूशन है, तो इसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट रेडी करके ये आपको दिखा रहे हैं। तो ये पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन किए हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। हमारे से PDF फाइल परचेज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट की, और सेम टू सेम आप कॉपी करके उसको और अपनी बाइंडिंग करके या स्टेपल करके अपने स्टडी सेंटर से सिग्नेचर करवा के इग्नो दिल्ली के जो एड्रेस में फार्म ABC में जो एड्रेस दिया गया है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं, ताकि आपका जो डिग्री है वो कम्प्लीट हो सके। तो ये हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम पिछले 12 सालों से ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। हम ऑन ऑर्डर भी आपके टॉपिक के ऊपर बना के देते हैं, उसकी भी हम पेमेंट लेते हैं ऑन ऑर्डर की, और आपको प्रोजेक्ट की फाइल जो है वो रेडी करके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। या अगर आपको हैंड रिटन हार्ड कॉपी चाहिए तो उसका भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी आपको लिखकर आपके एड्रेस पर हम भेज देते हैं, जिसे आप स्टडी सेंटर से साइन करवा के सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपका ऑफलाइन जमा हो रहा है तो आप ऑफलाइन भेज सकते हैं, और अगर ऑनलाइन है तो आप स्कैन PDF बनाकर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। कुछ ये टॉपिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके अलावा ये वाले टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप परचेज कर सकते हैं कोई भी एक टॉपिक और अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं। लगभग 40 से 50 पेज का ये प्रोजेक्ट होता है, वो आपको रेडी करना होता है और सबमिट करना होता है। कुछ स्टूडेंट स्नैपसिस के बारे में पूछते हैं कि इसकी स्नैपसिस कैसे बनेगी। तो AHE 01 जो प्रोजेक्ट है आपका, इसमें सिनेप्सिस नहीं होती है, इसमें सिर्फ फॉर्म ABC और फ्रंट पेज होता है, और उसके बाद आप डायरेक्ट इंडेक्स फाइल बना सकते हैं। तो इसकी सिनेप्सिस बनानी कोई ज़रूरी नहीं है। इग्नो की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट की सिनेप्सिस ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी टॉपिक के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रेडी करके उसको सबमिट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर से सिग्नेचर करवा के। तो सबसे पहले आप स्टडी सेंटर में जाइए टॉपिक लेने, और टॉपिक लेने के बाद आप हमें बताइए अपने टॉपिक्स, और हम आपको उसकी PDF फाइल देंगे। आप खुद लिखना चाहते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं, और अगर आपको रेडीमेड प्रोजेक्ट अपने घर पे मंगवाना है बाय पोस्ट या कोरियर के जरिए आपके एड्रेस पर हम भेजते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई